पिछले क्लासेस में हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, हमने रॉस लॉ बताया था एंड डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ बताया था, जिसके आधार पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया गया था। फर्दर वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट एज ए टॉपिक मिक्सचर। आज हम लोग अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। गौर कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। पॉइंट यह है कि देखिए, सब्सटेंस जो है कुछ ना कुछ इवेपोरेट कर रहा होता है हाई टेम्परेचर पे, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन इस तरह से करेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस becomes equal to external atmospheric प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, वही टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर क्या हो, एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है डिफिनेशन से कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जो होगा सब्सटेंस का बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पीएटीएम के बराबर होगा। ठीक है, यही बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड एंड गैस फेज, लिक्विड एंड गैस फेज आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, यह भी गौर करने लायक बात है कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लिक्विड और गैस क्या होगा, आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। सब्सटेंस का लिक्विड फेज, एयर सब्सटेंस का लिक्विड फेज और इन सब्सटेंस का गैसियस फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जितना रेट ऑफ कन्वर्जन लिक्विड से गैस में होगा, उतना रेट ऑफ कन्वर्जन गैस से लिक्विड में होगा। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है आपका, आप डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का इस तरह से लोगे कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर के बराबर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि ये हेडिंग रहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए स्टूडेंट को लगता ये है कि सॉल्यूशन बनाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हमेशा, जो कि सही नहीं है। सॉल्यूशन बनाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, कि नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है कि सेम रह रहा है ऑन हेडिंग सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और सेम भी रह सकता है
डिपेंडिंग अपॉन जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो ज्यादा वोलेटाइल ऐड कर रहे हो कि कम वोलेटाइल ऐड कर रहे हो। अगर ज्यादा वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, कम वोलेटाइल ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो गौर कीजिएगा कि अगर कम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हमने, ठीक है, अगर हमने कम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर घटा, तो वेपर प्रेशर घटा मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज वेपर प्रेशर कम हुआ है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा करना होगा, टेम्परेचर आप ज्यादा कीजिएगा तब जाकर के उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ लेस वोलाटाइल सॉल्यूट, इन केस ऑफ लेस वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। लेस वोलेटाइल अगर आपका सॉल्यूट हुआ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन becomes larger than boiling point of solvent. So elevation in boiling point occur. तो गौर करने वाली बात यही है, elevation in boiling point तभी अकर करेगा जब आप एक less volatile solute ऐड करोगे। अगर आप लेस वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एलिवेट होगा, अगर एक मोर वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेस हो जाएगा। ये बात गौर कीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तभी होगा जब हम लोग लेस वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, जो फॉर्मूला आपको दिया जाता है आप देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने किया था वो भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए था, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा, डेल टीबी मतलब हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसी को आप लिखते हो डेल टी बी विल बी इक्वल टू केबी इंटू एम, एक रिलेशन है इसको भी आपको याद करना होगा। केबी क्या है, हम क्या बता रहे हैं, डेल टी बी क्या है, पहली बात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब हुआ टीबी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केबी क्या होगा, मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्वेंट का, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये जो होता है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर सॉल्वेंट चेंज करेगा तो केबी का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे कि इसका वैल्यू जो होता है, फॉर्मूला होता है आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलबी से दिया जाता है केबी का वैल्यू, वेयर आप आर का वैल्यू समझ रहे होंगे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, टीबी आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और एलबी जो है कैल्विन में, ऑब्वियसली कैल्विन में है, और एलबी जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पर ग्राम, जो आप जानते हो लैटेंट हीट वेपराइजेशन पर ग्राम पे डिफाइन होगा, ये होगा। और M तो आप समझ रहे हो, मुझे लगता है M क्या होता है, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन है,
मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का, किस तरह से कितना एलिवेशन होगा, कोई भी सॉल्यूट अगर आप ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ेगा, ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पे बेस कुछ सवाल पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। Find the weight of sucrose that must be added 200 gram of water, 200 gram of water. Find the weight of sucrose that must be added 200 gram of water to have boiling point of solution 100.5 degree Celsius. To have boiling point of solution 100.5 degree Celsius दिया हुआ है kb of water 0.52 degree Celsius per mole. यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि केबी को डिग्री सेल्सियस पर मोलिटी में दिया जाए या कैल्विन पर मोलिटी में दिया जाए, सेम ही वैल्यू होगा, बिकॉज डेल टी चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और कैल्विन में सेम ही होता है। ठीक है, तो देखिए टीबी ऑफ वाटर जो होगा आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और टीबी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100.5 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल टीबी दैट विल बी इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, और डेल टीबी की जगह हम लोग तो जान रहे हैं VF, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होगा केबी इंटू एम होगा, डेल टीबी 0.5 है, ये होगा 0.52 इंटू मोलिटी, मोलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 0.5 इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया हमने वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला सभी लोग जान रहे होंगे। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, अगर इससे हम मोलर वेट की बात करें तो आपको आएगा 144 एंड देन 22 एंड देन 176, 12 बाकी 1 चार 6 7 तेरा 1 14 342 मोलर वेट विल बी इक्वल टू 342। इस तरह से आप वेट ऑफ सुक्रोज आसानी से निकाल पाओगे कि वेट ऑफ सुक्रोज विल बी इक्वल टू 342 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 5.2 ग्राम, दिस इज द वेट ऑफ सुक्रोज जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान सवाल है और बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को किया जा सकता है। अब देखिए मैं अगला सवाल देते हैं आपको, अगला सवाल यह है कि 1 ग्राम ऑफ Ab2 एंड 1 ग्राम ऑफ Ab4 आर डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर सेपरेटली। ठीक है, होगा क्या Ab2 इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय Ab2 increases boiling point of water by 105 degree Celsius, whereas AB4 increases
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 102.5 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी इफ केवी ऑफ वाटर जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्राम पर मोलिटी नॉट पर ग्राम पर मोलिटी ये दिया हुआ. देखिए दो अलग अलग केस है तो हम लोग क्या करते हैं पहला करते हैं 1 ग्राम ऑफ Ab2 इन वाटर करते हैं इन 50 ग्राम ऑफ वाटर करते हैं. ठीक है तो आपको पता है कि डेल्टी बी इज इक्वल टू होगा केवी इंटू एम. डेल्टी बी आपको पता है पहले केस में कितना हो रहा है 105 हो रहा है और 100 होता है वाटर का. केवी आपका दिया हुआ 0.5 मोलिटी हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर वेट अगर हम ए ही मान लेते हैं 2b डिवाइडेड बाई 50 हमने वेट बटा मोलर वेट किया एज्यूमिंग एटॉमिक वेट ऑफ ए एज ए एटॉमिक वेट ऑफ बी एज बी तो आपका 5 आ रहा है. इधर आपका 0.5 इंटू आप कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 2b तो a प्लस 2b विल है वैल्यू इज इक्वल टू आप इधर लाओगे इधर करोगे तो क्या होगा विल बी इक्वल टू 2. ये आपको लिख रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो 5 को इधर लाते हो तो क्या होगा आप 5 2 आ जाएगा आंसर. अब हम क्या करते हैं 1 ग्राम ऑफ Ab4 इन वाटर करते हैं तो हमारे पास होगा डेल्टी बी विल बी इक्वल टू केवी इंटू एम. डेल्टी बी हमारे पास सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके 102.5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है तो आप करोगे क्या 102.5 माइनस 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू केवी जिसको कि हम 0.5 रखा है 1 डिवाइड बाय ए प्लस 4b होगा डिवाइड बाय 50 × 1000 तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 20 बटा ए प्लस 4b तो ए प्लस 4b विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 5 और इट्स इक्वल टू हो जाएगा 4. तो आपके पास दो इक्वेशन है दो अननोन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. मुझे लगता है कि बहुत आसान है हालांकि आंसर कुछ अलग आएगा ऐसा आएगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने जहां उसके डेटा को इतना सिंपल रखा था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो अगर 2 - 1 करोगे तो आपके पास 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड दैट बी विल बी इक्वल टू 1 मतलब एटॉमिक वेट ऑफ बी आ गया 1. एटॉमिक वेट ऑफ बी अगर 1 है तो एटॉमिक वेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0. खैर डेटा ऐसा आ गया है कि जो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं सही लग रहा है लेकिन फिर भी आप चूंकि कैलकुलेशन हमने किया है डेटा ऐसा नहीं आएगा ए का मान तो 0 नहीं आना चाहिए था लेकिन 0 आ गया है कैलकुलेशन से आना सही है बस डेटा थोड़ा अलग तरह का होगा बाकी तरीका प्रॉब्लम बनाने का बिल्कुल सही है. ठीक है अब हम लोग अगला सवाल करेंगे इसी में बेस्ट एक और सवाल आपको करवाते हैं पहले हम ठीक है एक और सवाल कराते हैं फाइंड द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ ए लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 कैलोरी पर ग्राम ये दिया हुआ. तो आप जानते हो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया केवी इज इक्वल टू होता आरटीवी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एलवी सारा वैल्यू को आप
पुट कर दो यहाँ पे आर का वैल्यू, चूंकि कैलोरी में एल भी दिया इससे कैलोरी मिलेंगे, टू कैलोरी के करीब ले सकते हैं हम लोग। टी भी कैलोरी में रखोगे तो कितना होगा, 273 और 60, 273 और 60 को अगर आप जोड़ोगे तो होगा 333 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 × 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपका केवी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि केवी वैल्यू आपका 333 × 333 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 × ये जो होगा केवी वैल्यू होगा आपका, जो आप आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूला पुट करके। तो सवाल बहुत हल्का पूछा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करोगे। बॉइलिंग पॉइंट को तो हमने डिफाइन किया, वह टेम्परेचर जहां पर जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है वह टेम्परेचर जहां पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर, जहां पर सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो एट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, एट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर के टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज आर इक्वल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज आर इक्वल, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का इक्वल होगा। ऑल्सो एट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होगा, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन ये है कि जहां पर वेपर प्रेशर सॉलिड फेज लिक्विड फेज का बराबर हो जाए, एज वेल एज जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट पर जहां पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में, मतलब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड क्या हो, सेम। अब इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, पहली बात तो हम ले लेते हैं लेस वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन केस ऑफ लेस वोलाटाइल सॉल्यूट, जो कम वोलाटाइल सॉल्यूट होगा उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो हम फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए होगा, जैसा कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। जो डेल टी एफ होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिनिटी होगा, मतलब डेल टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
केफ इंटू एम, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो केफ इंटू एम होगा। अब जहां पे केफ एम ये सब को एक्सप्लेन करते हैं, एम यहां पर मोलिटी है सॉल्यूशन का, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेल्टा एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना घट रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट का ज्यादा है ना, यहां घट रहा है तो सॉल्यूशन का कम है, इसलिए पहले हमने सॉल्वेंट रखा। गौर यही करना है कि आपको बस पॉजिटिव वाला रखना है। केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसका भी वैल्यू आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, केएफ का वैल्यू आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो जैसा कि आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था केवी का वैल्यू। उसी तरह का इक्वेशन यहां भी होता है कि केएफ विल बी इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एलएफ, जहां पे आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टीएफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और एलएफ, एलएफ जो होगा वो क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, सॉरी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, नॉट वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन वहां पे था, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्वेंट होगा, ये भी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, मतलब सॉल्वेंट चेंज करोगे तो आपका केएफ वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। गौर करने वाली बात एक है कि सभी सॉल्वेंट के लिए जो केएफ का वैल्यू होगा केवी के वैल्यू से ज्यादा होता है, और इसका कारण होता है एलएफ का वैल्यू कम होता है कंपेयर टू एलवी के वैल्यू से। नोट में करके आप देख सकते हो कि फॉर एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम देखते हैं, फॉर एनी सब्सटेंस केएफ का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा केवी के वैल्यू से, बिकॉज आपको थर्मोडायनेमिक्स बताया गया था कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बहुत ज्यादा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों होता है, थर्मोडायनेमिक्स में डील कर चुके थे हम लोग, तो आप जान रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे स्टूडेंट को लग सकता है कि टीएफ तो कम होता है, लेकिन मैंने कहा बहुत कम होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है, और जब लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है तो केवी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, ये जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, इसे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को एक कर्व से दिखाएंगे, कैसे हम बोल रहे हैं लेस वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के केस में ऐसा होगा। तो पहले हम कुछ सवाल कर लेंगे कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। दिया हुआ है केएफ ऑफ वाटर जो है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल की। तो हम लोग जानते हैं बहुत आसान सवाल है, केएफ इंटू मोलिटी। अब डेल्टा टीएफ गौर कीजिएगा, डेल्टा टीएफ होगा टीएफ ऑफ वाटर माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, एंड केएफ आपका 1.86, केएफ आपका 1.86 है इंटू मोलिटी। मोलिटी की बात करें तो 18 ग्राम ग्लूकोज का है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय 180 और 90 इंटू 1000। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6, जिसका कि मोलर वेट आप देखोगे 180 आएगा, जहां पर 72 और 96, तो आप देख सकते हो 180 है, तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे 10 से कटेगा, 10 से कटेगा, ये 0 से कटेगा, 0 कटेगा, 0 कटेगा,
तो ये जीरो होता है माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 18.6 डिवाइड बाई 9। तो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट माइनस 18.6 डिवाइड बाई 9 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपने देखा आसानी से हमने टीएफ ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अगर हमको मोलिटी पता है या मोलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि सवाल में दिख रहा होगा कि मोलिटी निकालने के लिए आपको डेटा दिया हुआ था जिसके वजह से आपने मोलिटी कैलकुलेट किया और मोलिटी कैलकुलेट करते हुए आपने सॉल्व कर लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हम लोग और कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है टू सब्सटेंस इथिलीन ग्लाइकोल, इसका ये फॉर्मूला है C2H4OH का होल टू, एंड मिथेनॉल जिसका की फॉर्मूला है CH3OH आर अवेलेबल इन मार्केट एट सेम प्राइस पर केजी। दोनों का पर केजी जो है सेम प्राइस मिल रहा है। Which substance will be better antifreeze better antifreeze, चलिए which substance will be better antifreeze for preventing फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन कार हीटर में फ्रीजिंग ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए कौन बेहतर एंटी फ्रीज। ठीक है, तो देखिए बेहतर एंटी फ्रीज का मतलब है एंटी फ्रीज का काम होता है फ्रीज होने से बचाने के लिए। ठीक है, पहले के समय में वाटर यूज किया जाता था रेडिएटर में, अभी भी कभी कभी वाटर डाल दिया जाता है, लेकिन जो आप कूलेंट यूज करते हो उसमें कुछ अलग एडिशनल मटेरियल ऐड किया जाता है जो कि नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वहां पर फ्रीज नहीं करेगा, बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, जिसके कारण से आपका इंजन जो होगा, आपका कार जो होगा, आपका जो व्हीकल होगा वो ऑपरेट कर पाएगा, चाहे टेम्परेचर 0 हो, -10 हो, -5 हो, उसको ऑपरेट कर पाएगा। बिकॉज अगर आपका कार में रेडिएटर में पानी डाल दिया जाए सीधा होगा ये कि 0 डिग्री सेल्सियस से काम पे वो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होगा तो फिर काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए एक मटेरियल ऐड किया जाता है वाटर में जो कि उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। तो बेटर एंटी फ्रीज, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई लार्ज अमाउंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर अमाउंट से डिक्रीज करेगा, जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा द मोर डेल्टा टीएफ, ठीक है, द मोर डेल्टा टीएफ सब्सटेंस विल बी बेटर एंटीफ्रीज। जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा उतना सब्सटेंस होगा अच्छा एंटीफ्रीज होगा। देखिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू मोलिटी, केएफ इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 इंटू 1000 नॉट 100। अगर आप डेल्टा टीएफ देखोगे तो हो जाएगा केएफ इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो इससे आपको दिख रहा है कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट मान लो फिक्स है कि 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें आपको कोई पार्टिकुलर 1 kg सॉल्वेंट डाला तो कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा, सब कुछ अगर कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलर वेट ऑफ अगर आप देखोगे तो C2H4OH का होल टू वो ज्यादा है कंपेयर टू मोलर वेट ऑफ CH3OH।
इसका मतलब है डेल्टी एफ जो C2H4OH का ओल्ड टू होगा वो क्या होगा, कम होगा डेल्टी एफ CH3OH, और इसका मतलब है कि CH3OH विल बी बेटर एंटीफ्रीज, विल बी बेटर एंटीफ्रीज बिकॉज वो जो होगा एंटीफ्रीज, क्योंकि ये जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा से घटाएगा। इसका मतलब है कि ज्यादा वैल्यू तक, ज्यादा निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर तक आपका जो कार रेडिएटर है वो वर्किंग मोड में रह पाएगा, वाटर जो होगा उसका फ्रीज नहीं करेगा। ठीक है, देखिए और सवाल आपको करवाते हैं। इस पर जो रिलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस पर सवाल बहुत हल्का होता है और आप आसानी से बना सकते हो सवाल। क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कि 2.5 ग्राम ऑफ C2H4OH का होल टू इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ वाटर, देन इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ वाटर देन फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्स, आपको दिया हुआ है के फॉर वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलिटी। तो देखिए एक और पार्ट हम देंगे, पहले तो इस पार्ट को कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ आपको सीधा सीधा होगा केफ इंटू एम, मतलब टी एफ ऑफ वाटर माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन बराबर केफ इंटू एम, मतलब वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मोलर वेट की बात करें तो 12×24 चार 28 और 17×34 हो जाएगा 8×12 और 6, तो 62 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 62 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20 ग्राम इनटू 1000। ये जीरो है, ये पॉप सॉल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा क्या, 1.86 इनटू 2.5 डिवाइड बाय 62 इनटू 20 इनटू 1000, कैंसिल हो गया। आप 100 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 86 हो जाएगा, आप कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 2। इस तरह से आप देख सकते हो कि टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया माइनस 3.75। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा फ्रीज कर रहा होगा। अब अगर हम इस सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन को फ्रीज कर पा रहे हैं तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन को और घटा दें, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दें, मान लिया आपसे दूसरा पार्ट हम सवाल कर रहे हैं कि इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज टू -10 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द मास ऑफ आइस सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर हमने क्या किया, इस टेम्परेचर जहां पे आप देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना हमने 2.5 ग्राम ऑफ C2H4OH का होल टू अगर ऐड किया है 20 ग्राम ऑफ वाटर में, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का रहा -3.75 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस सॉल्यूशन को -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर दें, -10 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाए, तो कितना मास ऑफ वाटर सेपरेट होगा। तो सबसे पहली बात है कि मास ऑफ वाटर सेपरेट कैसे होगा, हम इस पार्ट को अब करते हैं। मास ऑफ वाटर सेपरेट कैसे होगा, ठीक है, देखिए डेल्टा टी एफ आप जान रहे होता है केफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 इंटू 1000। मोलिटी है ये, लिखा हो मोलिटी लिखा हुआ ये, सॉरी
अब देखिए जब आप एक गिवेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में, जैसा कि हमने देख रहे थे कि हम लोगों ने जो सॉल्यूट ऐड किया था उसके कारण से जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा था -3.75 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। अगर हम उससे ज्यादा फ्रीज करेंगे और लोअर टेम्परेचर पे ले जाएंगे सॉल्यूशन को, तो धीरे धीरे मास उससे आइस का सेपरेट होना शुरू होगा और उतना ही मास ऑफ आइस सेपरेट होगा, जिससे कि मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो उतना ही मास ऑफ आइस सेपरेट हो जाएगा, जिससे कि मास ऑफ सॉल्वेंट इतना घटे कि डेल्टी एफ क्या हो जाए, 10 के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप देख रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका -3.75 डिग्री सेल्सियस था, आप घटा के -10 डिग्री सेल्सियस ले गए तो कुछ मास ऑफ सॉल्वेंट सेपरेट हो जाएगा, कुछ मास ऑफ सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन से आइस के फॉर्म में, और जब बाहर निकल जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट घटेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट घटेगा तो डेल्टा एफ बढ़ करके इसके बराबर हो जाएगा, जितना पर लोअर पे ले जाकर के आप टेम्परेचर को ले गए हो। तो पॉइंट यह है कि इफ एम ग्राम इज द मास ऑफ m gram is the mass of ice separated, then अगर m gram जो है mass of ice separated है तब क्या करोगे, हमारे पास डेल्टा एफ इसके लिए हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस और मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास था 20 ग्राम, उसमें से हमने m ग्राम को सेपरेट कर दिया है तो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इतना। तो अब अगर आप रखते हो फॉर्मूला में तो हो गया 10 = 1.86 × 2.5/62 × 20 - m × 1000। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि कैंसिल होगा एक, अगर आप 62 और 100 और 1 करोगे तो इतना आएगा, तो 20 माइनस एम विल बी इक्वल टू 7.5, तो मास विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 12.5। तो इतना ग्राम ऑफ मास जो होगा आपका वाटर से सेपरेट हो जाएगा, ताकि आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट करके -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, समझ रहे? मतलब उतना ही मास ऑफ आइस सेपरेट होगा, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट घट करके जितना आप टेम्परेचर को ले गया हो, लोअर कर दियो टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, उतना पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कैसे हम लोग सवाल अप्रोच करेंगे। बहुत आसान है सवाल को अप्रोच करना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े, इन दोनों को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखना चाहें तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करना चाह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। देखिए ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ पीनोट सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड फेज में, और सॉलिड जैसे हुआ, सॉलिड का आप समझ सकते हो कि सॉलिड में जो होगा वो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, ये सॉलिड फेज का है। ठीक है, अब जब आप जानते हो कि जब हम लेस वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ये वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर को हम प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर के वर्सेस, आपको इस कर्व से पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कब होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कब होगा, जो हमने आपको थ्योरी में कराया था। अब अगर हम क्या करते हैं, लेस वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया पी सॉल्यूशन फॉर लेस वोलेटाइल सॉल्यूट। आप ये अच्छे समझ सकते हो कि अगर ज्यादा वोलेटाइल ऐड करोगे तो फ्रीजिंग वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, कम वोलेटाइल ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घट जाता है।
अगर हम बात करें कि आपका 1 atm प्रेशर यहां पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, सॉल्वेंट का कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा क्या, टीबी ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये होगा, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 1 atm के बराबर है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गौर कीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर है किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर। तो ये हो गया टीबी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो यहां से यहां दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये देख रहे हो गए आपकी टीबी डेल्टा टीबी क्या होगा, इधर हुआ मतलब डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हमको यहां दिख रहा है बिकॉज यहीं पे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हम लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो आप देख सकते हो कि सॉलिड और जो सॉल्यूशन फेज है आपस में दोनों का वेपर प्रेशर कहां पे बराबर है, यहां पे है, तो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन यहां होगा, जैसा कि दिख रहा होगा कि डेल टीएफ यहां होगा, इस तरफ से होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा इधर घट रहा है। तो इस कर्व से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक लेस वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में तभी आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बढ़ेगा और इधर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यहां था, सॉल्यूशन का यहां हो गया तो घटा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यहां है, सॉल्यूशन का यहां हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये लेस वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ही होता है। और जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, अगले क्लास से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।